अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मस्जिद नबवी में खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे सामने गेट नंबर 20 और 21। ये गेट नंबर 20 और 21 मस्जिद नबवी का सबसे बड़ा गेट है। वो मैं आपको मस्जिद के अंदर का जो डोर थे वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बाहर से दिखाता हूँ। आज मैं आपको 20 नंबर से लेकर 26 नंबर गेट तक जो होटल हैं वो तफसील के साथ आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप आना चाहें तो उम्मीद है कि आपके लिए ये आसानी पैदा करेगी वीडियो। ये मैंने चलना शुरू कर दिया है जी। ये अभी मैं हरम के गेट 21 और 22 नंबर से चल रहा हूँ। ये मेरे दाएं जनब जो पहला होटल है ये दारुल तक्वा, आप देखें। ये मरकजिया के अंदर जो होटल है गेट नंबर 20 या 21 से लेकर 26 तक, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे दाएं जनब तैयबा आर्क स्वीट्स, 5-स्टार होटल के फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन 5-स्टार होटल ही है। अब ये इसमें मदीना में भी, जहां मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, कबूतर चौक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी मैं आपको यहां से मस्जिद का व्यू भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें ये सामने नंबर आपको गेट नंबर 21 और 22 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ 21 और इधर है 22। सब हाजी माशाल्लाह नमाज असर अदा करके यहाँ निकल रहे हैं। जी दारुल तक्वा के साथ ये एक होटल है उंदलस स्वीट्स, ये आप देखें। ये बिल्कुल दारुल तक्वा के साथ इसकी बिल्डिंग मिलती है। ये एक 3-स्टार होटल है और इसका आम तौर पर मालूम नहीं होता। माशाल्लाह ये कबूतर देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरा होटल जो आ गया है वो दाएं जनब शजा होटल है, ये भी 5-स्टार है। और बाएं जनब मदीना हिल्टन मशहूर तरीन होटल है। ये होटल माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। ये भी सारा देखें, ये शजा होटल ही है और मेरी बाएं जानब मदीना हिल्टन। शजा होटल के बाद अब ये लग्जरी और रवादा स्वीट्स है, तीसरा होटल है दाएं जानब और दूसरी तरफ बाएं जानब अल-लुखबा रॉयल इन और इसके साथ ही आयल नजूल रॉयल इन। ये दोनों होटल एक ही बिल्डिंग में हैं। खूबसूरत होटल है ये लग्जरी अल रवादा स्वीट्स। ये इस साइड पे मैं अभी वापस पर आपको दिखाता हूँ। अभी हम सीधा जाएंगे मरकजिया तक जो बाईपास है, ये इधर भी आखिरी होटल तक जाएंगे हम, जिसको मरकजिया कहते हैं। दाएं जाने मरकजिया के अंदर होटल नहीं है और बाएं जनब दारुल हिजरा इंटर कॉन्टिनेंटल, ये आप बिल्डिंग उसकी देख। अभी
अभी मैं दाएं जानब जाऊंगा यहाँ से और फिर वापस हरम तक जाऊंगा। ये मरकजिया के अंदर 4 नंबर पर ये होटल दारुल हिजरा इंटर कॉन्टिनेंटल, और यहाँ पर मरकजिया ख़त्म हो जाता है जिसको मरकजिया कहते हैं। अब मैं ये दाएं जानब जाऊंगा क्योंकि गेट नंबर 22, 21 से लेकर 26 तक यहाँ से दाएं जानब है। ये अल लग्जरी अल रुआदा स्वीट्स, यहाँ से वो सामने से फिर हम वापस हरम तक जाएंगे। ये यहाँ तक सिर्फ 4 होटल हैं और यहाँ से तकरीबन हरम तक 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। ये अभी मैं जा रहा हूँ, अभी वापस हम तकरीबन 23 या 24 नंबर गेट से हम निकलेंगे। ये लग्जरी अल वादा स्वीट्स जी। अब ये आप मेरी बाएं जान देखें, होटल अल मुख्तारा इंटरनेशनल, ये भी होटल काफ़ी मशहूर है, 3 स्टार होटल है ये। ये मेरी बाएं जानब गली है जहाँ सामने फंदक तैबा, दल्ला तैबा, ये भी मशहूर होटल है, और उसके सामने आप देख रहे हैं दारुल तक्वा, वहीं से हम आए थे। ठीक है, ये होटल वैसल फ्रॉच, वैसल फ्रॉच होटल है ये, और फंदक दारुल मुख्तारा इंटरनेशनल के बाद दारुल ईमान होटल, दारुल अल नईम होटल अल मुख्तारा, दारुल अल नईम अल मुख्तारा। फंदक अल मुकर्रम होटल, रॉयल अल मुकर्रम होटल। मेरी बाएं जानब मुबारक अल सिल्वर होटल आ गया है। और मेरी बाएं जानब ये होटल आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसका नाम दिखाता हूँ। वो सामने फंदक अल ईमान रॉयल मरकज़ अरफला, दारुल ईमान रॉयल दारुल ईमान होटल मदीना, वो सामने बिल्कुल। अब मैं यहाँ से बाएं फिर जाऊँगा हरम तक, यहाँ से गेट नंबर 25 तक मेरा ख्याल है, 24 या 25 तक सामने निकलेगा। ये मेरे सामने होटल अल सहाल होटल, और उसके साथ फंदक अल सालिया, फंदक अल सालिया, और ये आप देख रहे हैं रूब होटल। वो सामने हरम और 25 नंबर गेट, ये हम ये 7 वाले रोड थे, वो सामने आपको हिल्टन होटल नज़र आ रहा है, उस रोड से हम आए थे, अब हम इस रोड से जा रहे हैं, ये 25 नंबर गेट पे फिर वापस जाएंगे। ये आपको अलसहा होटल भी दिखाया,
ये जो मेरे दाएं जानब होटल है इसका नाम अभी नहीं, मेरे ख्याल में ये दला तैबा होटल है। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे बाएं जानब जो होटल अब आ गया है वो बहाउद्दीन अल मदीना होटल। मैं अभी आपको इसका व्यू सामने से दिखाता हूँ, बहाउद्दीन अल मदीना होटल। यहाँ तकरीबन सभी होटल्स 14 या 15 फ्लोर के हैं मरकजिया के अंदर। ये देखें, ये आ गया सामने फंदक अल फिरोज शटा होटल। ये मार्केट बनी हुई है, ये सामने फिर दारुल तक्वा। और मेरे दाएं जानब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फंदक दल्ला तैबा, तैबा होटल। ये बिल्कुल सामने हरम, यहाँ से एक मिनट की मुसाफत पर गेट नंबर 25। गेट नंबर 21 से हम गए थे और सीधा लास्ट मरकजिया तक जाकर हम वापस आए हैं। और मेरे बाएं जानब होटल आ गया है गोल्डन ट्यूलिप। ये भी होटल बड़ा खूबसूरत है अंदर सा। ये सामने हरम। अभी मैं यहाँ से फिर बाएं जानब गेट नंबर 26 तक जाऊँगा। आप 25 नंबर गेट देख रहे हैं। और ये एक होटल की जगह यहाँ खाली पड़ी हुई है, यहाँ होटल नहीं बना। ये आपको दिखाया था गोल्डन ट्यूलिप। और वो सामने जो आप होटल देख रहे हैं ओबराय मदीना, 5-star होटल है। मेरे ख्याल में मदीना में सबसे ज़्यादा कॉस्टली होटल है ये। ये आप हरम देख रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ ओबराय मदीना। मैं यहाँ गेट नंबर 26 पर पहुँच गया हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हरम की तस्वीर हो रही है मदीना में। ये गेट नंबर 26, इधर से मैं गेट नंबर 20 से शुरू हुआ था। ये जो दो रोड या गली आ रही है, अब मैं यहाँ से लेकर मरकजिया सड़क तक रोड तक जाऊँगा। ये मेरे राइट में सारा दाएं जानब ओबराय मदीना होटल है। ओबराय मदीना, ये सामने फंदक अल सालेह होटल। ये भी दूसरी जानब से भी मैंने दिखाया था आपको। और ये अल हरम, अल हरम होटल। ये आपको दो दो तीन तीन जानब से